को खबर देने के लिए कि हमने एक हफ्ते का नोटिस दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि जिसने भी विश्वजीत देव वर्मा और जिसने जो तोड़फोड़ किया है पानी सागर में और जिसने विश्वजीत देव वर्मा का बेरहमी से मर्डर किया है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। आज ही मुझे खबर मिला है कि विश्वजीत देव वर्मा और पानी सागर जो इंसिडेंट में जो तोड़फोड़ हुआ है और विश्वजीत देव वर्मा का मर्डर के लिए उसमें एक अरेस्ट हो चुका है। ये वेलकम स्टेप है, ये बहुत दुख की बात है कि इतना दिन लगा, लेकिन हमने अल्टीमेटम दिया था और ये अरेस्ट हो चुका है। मैं सबको थैंक करना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, ये पहला अरेस्ट है, ये लास्ट अरेस्ट नहीं होगा और ये खबर मुझे दिया गया है। जो लोग बोलते थे कि सिर्फ बंद करने से, रास्ता रोकने से ही होगा कुछ, आज ये सबको मैसेज है कि जब टिपरा मौथा, जब हम लोग एक आवाज़ में किसी को बोलते हैं कि ये आप कार्रवाई कीजिए और एक्शन होता है, तो इसमें हमको ये वेलकम स्टेप है। लेकिन ये प्रेशर रहेगा कि जिसने भी पानी सागर में तोड़फोड़ किया है, जिसने भी लोगों को पीटा है और जिसने विश्वजीत देव वर्मा को बेरहमी से मारा है, एक आदमी नहीं था और भी थे, उनका भी अरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आज एक आदमी अरेस्ट हुआ है लेकिन और भी लोग हैं। मैं वेलकम करता हूं क्योंकि जब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मुझे खबर भी मिला है कि उसी पुलिस का कार्रवाई, रात में 3-4 रेड्स हुआ है, हर रात रेड्स हो रहा है और जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको वो अपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कर रहे हैं और एक अरेस्ट हो चुका है। ये 2020 है, 2020 का तिपरासा चुप नहीं बैठेगा। हम अपना कानूनी अधिकार जानते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमें सिर्फ जो मर्डरर्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनका अरेस्ट चाहिए। वो कोई भी कम्युनिटी के हो, वो कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, जिसने कानून तोड़ा है उनका अरेस्ट होना चाहिए और जिसने मर्डर किया है उनका 100% अरेस्ट होना चाहिए। ये मेरा प्रेस आपको खबर देने के लिए था। लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, जो लोग मुझे बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप जितना भी मेरे खिलाफ बोल दो, आप डिनाई नहीं कर सकते कि आज 72 आवर्स के अंदर हमारे प्रेस मीट के जो हमने लास्ट टाइम किया था, 72 आवर्स के अंदर आज अरेस्ट हो चुका है। आपको मेरे खिलाफ कुछ भी बोलना है, ये आपको बोलना है, आप बोलिए, लेकिन आप मुझे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैं सत्य के रास्ते में हूँ, मैं सच्चाई का लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कोई जात के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। आप अपने लोगों को एक बार हेल्प भी नहीं कर सकते लेकिन आप दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। एनीवे, इन लोगों को मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ, आप लोग भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। आई अगेन अपील फॉर पीस एंड काम इन कंचनपुर एंड इन ऑल ओवर त्रिपुरा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ में इस स्टेट में बंगाली, तिपरासा, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब शांति से जिए और मिजोब है वो भी शांति से रहे। और जो मर्डरर्स हैं, आज एक अरेस्ट हुआ है हमारे नोटिस के बाद, आने वाले दिन में और भी अरेस्ट हो। और फाइनल है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री बिप्लब देव जी को कि वो भी, श्राद्ध हो गया है, 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जाकर विश्वजीत देव वर्मा के घर में जाकर उनके परिवार से मिलते हैं
तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं ये भी बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को कि आप जो कंचनपुर में जो पानी सागर में फायरिंग में जो दूसरे इंसान जिसका प्रोटेस्टर का जिसका हत्या हुआ श्रीकांत दास आप उसके घर में भी जाइए, उनसे भी मिलिए। लेकिन जो फायर सर्विसमैन विश्वजीत देवर्मा था जो ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी उसको मर्डर किया गया, आप उसके घर में भी जाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है उनसे और मैं आशा करता हूं कि वो जाएंगे। लास्ट, ये जो ब्रू के लिए जो हमारा सेटलमेंट का प्रोसेस है, बहुत लोग कुछ भी बोल दे लेकिन जब तक प्रद्योत विक्रम माणिक्य इस धरती में जिंदा है, हमारे तिपरासा, हमारे ब्रू, कोई भी तिपरासा हो, कोई भी ब्रू हो, और कोई भी जो सच्चाई की लड़ाई में हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी, उसके लिए मैं फाइट करता हूँ, कोई मेरा एक बाल को टच नहीं कर सकता। और जो लोग मुझे थ्रेटन करना चाहते हैं, सामने आकर आंख से आंख मिलाकर मुझसे बात करो, 2 मिनट में उनका पतलून नीचे हो जाएगा। ये मैं बात से काम नहीं करता हूं, हम एक्शन से काम करते हैं। हमने जो बोला वो हमने किया, जिसके घर में मर्डर हुआ उसके घर में जाकर हमने पैसा दिया, जिसको जहां में गलती हुआ कुछ, जब माधवबारी में दुकान जला उस समय हमने नहीं देखा बंगाली कौन था, तिपरासा कौन था, सबको हमने हेल्प किया। ये लोग आपको बांटना चाहते हैं, हम आपको बांटना नहीं चाहते। मैं अपील करता हूं कि शांति रखा जाए और जो भी अनशन बात करते हैं उनको आप मीडिया लोग भी इतना कवरेज ना दे। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से उठाए, ना कि इंडिविजुअल से उठाए। अगर कोई सवाल है इसके बाद, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क आफ्टर दिस, देन आई शैल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड द टाइम ऑफ अल्टीमेटम फॉर 7 डेज विल बी स्टिल रिमेन और नो? आई एम हैप्पी। सी, मुख्यमंत्री जी हैज बिप्लब देव हैज हिमसेल्फ कॉल्ड मी अप एंड सेड दैट अरेस्ट हैज बीन मेड। आई वेलकम द डिसीजन, but one arrest is not enough. We want more people to be arrested. One arrest is not enough. But I welcome that at least after a press conference, after a notice, the government has acted. I welcome that. I will not say that I don't welcome it. I welcome it. But our pressure is on the state government to arrest more people. Any other question? कोई और कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। Thank you.